खबर आप देख रहे हैं वाइस न्यूज़। और डीजे पर डांस कर रही महिला पर युवकों ने किया हमला, महिला के साथ की मारपीट, घायल अवस्था में अस्पताल में किया भर्ती। थाना सिविल लाइन की रहने वाली नीलम अपने मामा की बेटी की शादी में ग्राम पनवड़िया में आई थी। महिला अपने परिवार के साथ डीजे पर डांस कर रही थी, उसी वक्त गांव के कुछ अज्ञात लड़के वहां आए और महिला के साथ छेड़खानी करने लगे। छेड़खानी देख महिला के पति ने लड़कों को वहां से हटाने का प्रयास किया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। महिला ने अपने पति को बचाने की कोशिश की तो शराब में धुत युवकों ने महिला के साथ भी जमकर की मारपीट। अभी महिला के साथ में क्या हुआ है? ये वहाँ पर लड़ाई हो गई थी, ये खाना खा रहे थे। कहाँ पर? पनवड़िया में। क्या मामला था, क्यों, कैसे लड़ाई हुई? ये लोग आराम से बैठ के मतलब कि देख रहे थे, बहुत लोटे थे वहाँ पे, डीजे पे नाच रहे थे और मतलब कि नशे में ना उन्होंने ये बैठ के देख रही थी, लोटे इनके हाथ में था और मैं खाना खा रहा था तो उन्होंने नशे में उनका हाथ पकड़ लिया। अब मैंने देखा कि ये क्यों पकड़ रहा, मतलब छेड़ रहा, ये है कौन। जब मैं गया तो मेरे को ये यहाँ पे कुर्सी मारा, मुझे मारा था और उसके अभी उसकी डिलीवरी हुई है, उसके टांगे थे उसमें पेटों में लात मारी उसके। आपकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है क्या? नहीं, अभी हुआ है, 2 महीना हो गया बच्चे को। अच्छा, 2 महीने पहले की बात है। ऑपरेशन वगैरह हुआ था जी? बच्चा ये हमारा, बच्चा ये है हमारा। तो इस टाइम क्या हुआ इन्हें? अभी इनको क्या नाम है, छेड़ाछाड़ी करी गई है इनके साथ में, बदतमीजी भी की गई है काफी। आप लड़की वालों की तरफ से? लड़के वालों की तरफ से? हम लड़के वालों की तरफ से थे। अच्छा, बारात पनवड़िया में ही थी जी? दूसरी पार्टी कौन है? पनवड़िया के लड़के थे सर। नाम पता है आपको? नाम तो नहीं पता है सर।